हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है रामनवमी, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मतलब जो आर्मी होंगे उनको पता होगा कि यहाँ ना सारे ही फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो दशहरा भी बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तो अभी आज है भंडारा, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ बंगाली साड़ी पहन के। मतलब बंगाली टाइप नहीं पहना है मैंने, नॉर्मल ही साड़ी पहनी है, लेकिन ये साड़ी जो सिल्क की है बंगाल वाली, और पीछे वो माता रानी का, मतलब उधर ही ऐसा ब्लाउज वगैरह काफ़ी चलता है, तो मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी। तो मैंने पिछले साल ही लिया था ये साड़ी, लेकिन आज यहाँ पे एक बार पिछले साल पहना था, उसके बाद फिर यहाँ पे मौका मिला तो मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ, तो फाइनली मैंने पहन लिया है। और अभी जाना है, सारे लोग चले गए हैं, मैं ही बस बच गई हूँ। मुझे तो हमेशा ही लेट हो जाता है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना रहता है, सब सिंपल ही चले जाते हैं। कोई ना, सबका अपना अपना शौक होता है। मुझे तो बहुत ही शौक है कि सारे ही फेस्टिवल जैसा है, मतलब जो ट्रेडिशनल है ये बंगाल का है, मतलब बंगाली लोग अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, ऐसी साड़ियाँ पहनते हैं, तो मुझे शौक है कि उस टाइप का पूरा गेटअप तैयार करूँ मैं। तो मैंने फाइनली कर लिया, तो अभी है, अभी एक दो लोग हैं नीचे वाली दीदी, अभी बचे हुए हैं, वो हम लोग साथ में चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अपडेट दे देती हूँ। और वहाँ पे शायद पॉसिबल नहीं होगा सूट करना, क्योंकि सारे ही लोग रहते हैं, और आप लोगों को मैं बताती हूँ सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते वीडियो में आना, तो इस वजह से मुझे सूट करने का मन नहीं करता। क्योंकि सूट कर भी लिया तो फिर 10 लोग बोलते हैं कि मेरा नहीं डालना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा कि मैं किसी का सूट ही नहीं करती हूँ। तो मेरा अगर पॉसिबल हो पाया अकेले का, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलिए अभी चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा, फिर मिलते हैं आपको। हे गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है और मैं हो रही हूँ तैयार। सुबह में गए थे हम लोग भंडारा में, लेकिन वहाँ का पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने सूट नहीं किया। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी, जल्दी जल्दी गए हम लोग, पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, तो पूजा वूजा किया, उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के चले आए थे, तो पॉसिबल नहीं था सूट करना, तो नहीं कर पाई। उसके बाद आके मैंने चेंज कर लिया, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम ही किया है, तो बहुत ही बिजी रहा लाइफ। और फाइनली अभी शाम हो गया है, बच्चों को खिलाना है जो कंचिका खिलाते हैं, अभी तक मैंने खिलाया नहीं है, और सोचा था कि वहाँ से आके खिला दूँगी, फिर बच्चे ट्यूशन चले गए, मतलब अलग अलग टाइम में हो ही नहीं पाया, कभी कोई तो कभी कोई, मतलब कोई ना कोई बच्चे ट्यूशन ही गए थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे ट्यूशन गए हैं। तो जैसे ही आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि अब शाम का पूजा करना है मुझे, शाम की आरती कर लूँगी, उसके बाद ही सारे बच्चों को खिला पाऊँगी। तो चलो अच्छा है, शाम के टाइम में, पूजा के टाइम में वो लोग खा लेंगे, अच्छा टाइमिंग है, कोई बात नहीं, कभी भी खिलाएं जब मतलब टाइम हो, बच्चों के पास भी जब टाइम हो। तो इसीलिए मैं हो रही थी तैयार, और मुझे लास्ट टाइम में याद आया कि अरे मैं तो हैंकी लेके ही नहीं आई हूँ बच्चों को देने वाला, मतलब मार्केट गई थी तो नोट करके लेके गई थी, लेकिन पता ना कैसे दिमाग से निकल गया, याद ही नहीं आया था। और लास्ट में जब याद आया हमें, तो खोजते रह गए उधर पास में, मतलब वैसी शॉप नहीं मिली कि वहाँ पे हैंकी मिल सके, मार्केट के अंदर बिल्कुल मिलता है, और हम लोग मार्केट से बिल्कुल निकल चुके थे, फौजी साहब का भी टाइम हो गया था जाने का, तो हम हैंकी लेके नहीं आ पाए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कॉम्प्लेक्स से मंगा लूँगी, फिर याद ही नहीं रहा, आज फाइनली मुझे याद आया। फिर मैंने बोला, बगल की दीदी को बोला, तो वो बोली कि अरे मेरे वाले तो उधर ही थे, तो मैंने बोला ठीक है देखो अभी अगर वो उधर ही हैं तो हैंकी मंगवा दो दीदी, तो वो भैया को टाइम नहीं था, उन्होंने इनको कॉल कर दिया, ये गुस्सा करने लग गए कि देखो जब टाइम आ जाता है ना, जब कोई भी चीज़ पास में आ जाता है तब याद आता है कि ये चीज़ नहीं है, फिर वो जल्दी जल्दी, मतलब बहुत मुश्किल होता है यार ड्यूटी टाइम में से इधर उधर इधर उधर करना। तो फाइनली गए जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स से, हैंकी भिजवाया, जो इधर अब हैंकी यही वाली मिली है, क्या कर सकते हैं, यही वाला दे देंगे, और साथ में ये मोमोज भी भिजवा दिया, क्योंकि उनको पता है कि कॉम्प्लेक्स जाएं और बिना मोमोज के चलने वाला नहीं है। तो ऐसे मैंने तो इसकी कोई डिमांड नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि ये भिजवाएंगे, तो स्माइली नीचे से लेके आई, और पीछे का मेरा जो भी बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करना, बिकॉज बहुत ही कबाड़ा फैला हुआ है। ये पार्सल भी थे, तो फौजी साहब दो पार्सल भी लेके आ गए, और मेरा भी आधा अधूरा मेकअप है, लिपस्टिक वगैरह लगाना है, तो चलिए मैं करती हूँ, लगाती हूँ, जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। हे गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये मैं प्लेट लेके आई थी, इसमें पहले ही सोच सजा के रख दी थी कि अब सारे बच्चे आने वाले हैं, सारे ट्यूशन आ गए हैं, तो इसमें सजा के रख दूंगी तो आसानी होगी मेरे लिए देने में, क्योंकि मैं अकेले हूँ उस टाइम पे क्या क्या कर पाऊंगी। और तो चलिए मैं कर देती हूँ फाइनली। ये एक हैंकी हो जाएगी,
एक फ्रूटी हो जाएगी, एक चॉकलेट हो जाएगा और ये कुरकुरा हो जाएगा और ये एक बनाना हो जाएगा और ये प्रसाद। तो बच्चे तो फिर खुश, चॉकलेट कुरकुरा फ्रूटी सारे ही उनके फेवरेट की चीज़ें मिलेंगी, तो मुझे तो पता है सारे बच्चे खुश होके जाएंगे। मैंने यही आइडिया सोचा था कि ऐसी चीज़ें हम दें बच्चों को जिससे वो बहुत सारा खुश हो जाए और खुशी खुशी जाए यहाँ से। पूरी और हलवा तो सभी खिलाते हैं, लेकिन मैंने ये आइडिया सोचा, तो आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा आइडिया, ठीक है। तो ये एक प्लेट ऐसे हो जाएगा, मैं सारा ही सजा के रख देती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ, बस आने ही वाले हैं सारे बच्चे। मुझे पता है कुछ महान लोग आएंगे और कमेंट में ये करेंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं कन्या पूजन में, कुरकुरा नहीं दिया जाता है, पूड़ी हलवा खिलाया जाता है। तो हाँ जी, खिलाया जाता होगा, जिनको मन करता है पूड़ी हलवा खिलाते हैं, लेकिन मुझे मन किया कि मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दूँ जिससे उनको खुशी मिले। मुझे पता है पूड़ी हलवा, एक तो मैं अपनी स्माइली की ही बात बता रही हूँ, जिसके घर भी जाती है पूड़ी हलवा चाहे जो भी वो होता है लेके तो आ जाती है, उसको अब डस्टबिन में मुझे डालना पड़ेगा, तो कितना पाप चढ़ रहा है मुझे अगर मैं उस प्रसाद को डस्टबिन में डालूंगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो इससे अच्छा है, फेंकने से अच्छा है, पाप चढ़ाने से अच्छा है कि मैं बच्चों को कुरकुरा चिप्स चॉकलेट फ्रूटी दे दूँ और वो खुशी खुशी मेरे यहाँ से बहुत खुश होकर हंसते हुए जाए, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट है। जो लोग बोलते हैं कि भगवान को प्याज नहीं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो घर से ही प्याज खा के आए होंगे, तो उनका हम क्या करते। हमारे यहाँ हर स्टेट के लोग होते हैं अलग अलग, जो नवरात्रि नहीं मनाते हैं चाहे जो भी, तो घर से भी प्याज खा के आ सकते हैं वो। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्याज नहीं दे सकते। मैंने माता रानी को चढ़ावा नहीं चढ़ाया है, सिर्फ एक बच्चों को मैंने प्यार से दिया है ताकि उनको पसंद आए और वो बच्चे खुश हो जाए। तो बस यही रीज़न है। तो अपना ओपिनियन आप लोग अपने पास रखिएगा, आप लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या करती हूँ वो मैं कर रही हूँ। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली जब बच्चे बहुत खुशी खुशी बोले कि हाँ आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा, हम अगले साल भी आपके यहाँ आएंगे। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिला। वो सुकून जो मैंने फील किया कोई और नहीं कर सकता। पूड़ी हलवा मैं बना के उनके सामने परोस देती, बच्चे घर पे ही, कोई आधा यहाँ छोड़ के जाते हैं, जो लेके जाते हैं वो घर पे फेंकाता है। तो इसका मतलब कि माता रानी प्रसन्न नहीं है भाई, प्रसाद छूट गया, क्योंकि वो छोटे बच्चे खा ही नहीं पाते हैं ना। तो बस यही बात थी, मैंने ये ट्रिक सोचा कि ये बच्चे सारा का सारा खा जाएंगे। और हाँ, जो माता रानी के चढ़ावा के लिए था वो था केला और पेड़ा। हमारे यहाँ पेड़ा चढ़ाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है माता रानी के पूजा में। तो मैंने बच्चों को खिलाया भी, मुँह जूठा भी करवाया पेड़ा से, और कुरकुरा वो अपने हिसाब से बाहर जाके खा लेंगे। तो जिसको जो करना है बोलना है बोलते रहो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती। स्पेशली मेरे लिए तो मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, और मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही सही किया, क्योंकि सारे बच्चे खुश थे, खुशी खुशी गए, तो वो तो मैंने सही किया, तभी तो खुश होके गए। और जिसको भी ऐसा लगता है ना कि ये गलत है, तो आप अपनी सोच अपने पास रखो, आप सही करते रहना, बट मैं गलत करके भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माता रानी हमेशा ही मेरे साथ है, उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम में हूँ ना, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बचपन से मैं ये देखती आ रही हूँ, इसीलिए इतना विश्वास हो गया है माता रानी पे। बचपन में भी जैसे छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ना, एक होता ना खे माता रानी ये चीज़ कर दो, मतलब एक बचपन की भी बात बता रही हूँ मैं, तो वो चीज़ मेरा पूरा हो जाता था। और अभी बड़े होके भी कितनी भी दुख में हूँ और आंखें बंद करके बोलती हूँ कि माता रानी बस आप संभाल लेना, तो मतलब बिगड़ा से बिगड़ा काम भी ना मेरा बन जाता है। तो ऐसा लगता है ना कि साक्षात माता रानी मेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर छल कपट नहीं है, मैं किसी को देख के जलती नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ ना अपना पर्सन, मतलब अपना कर रही हूँ यार, किसी से मतलब रखने वाली नहीं हूँ। तो वो श्रद्धा भाव भगवान देखते हैं, कितना भी मलाई मेवा भोग पूरी मिठाई आप चढ़ा देते हो और दूसरों को देख के यार जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, किसी की खुशी देखी नहीं जाती आप लोगों से, तो वो किसी काम का नहीं है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। और सोचो ना, भगवान राम को सबरी ने जूठा खिलाया था, क्या आप
चढ़ाओगे, झूठा अपना खा के और झूठा भगवान को चढ़ाओगे? नहीं ना। लेकिन उसने बहुत ही भाव से दिया था, भाव से खिलाया था, श्रद्धा थी उसके अंदर, तो भगवान ने कितने प्यार से एक्सेप्ट किया था। तो बस वही बात है, श्रद्धा भाव होनी चाहिए, बाकी और चीज़ें मैटर नहीं करती है कि क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे। तो अपनी सोच अपने पास, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसे लोगों के लिए ना मेरे पास बस एक यही वर्ड है कि कृपया करके भगवान के लिए आप मेरे ब्लॉग में ना आए, मुझे छोड़ दो। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, खुद के लिए बहुत अच्छी हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको जो करना है करो, दूसरों पे अपनी राय मत थोपो, ठीक है? जल्दी भेजो ना आप उसको, लावी अच्छा लगा। भैरव बाबा किधर रह गए थे? भैरव बाबा देख लो, भैरव बाबा इतने देर से आ रहे हैं। और भैरव बाबा इतनी देर से क्यों? आंटी उसे हाँ। तो वो भी नहीं पता भैरव बाबा कौन। आप हो भैरव बाबा, देखो आपका रखा हुआ है। Thank you.
अच्छा लगा ना आप लोग को? नेक्स्ट ईयर भी आओगे ना आप लोग? मजा आया मुझे। अच्छा।